औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतवानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास बीए पार्ट वन, पोएम रीड आउट कर रहे थे सोल्ट्री रीपर, और आज उसका जो है हम मेन थीम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ हैपन टू मीट मिलता है एक मासूम जो है वो एंड सिंपल सादा जो है वो हाईलैंड गर्ल स्कॉटलैंड की लड़की से, इन्हें कॉर्न फील्ड यानी कि अनाज के खेत में शी इज सिंगिंग, वो गा रही है एक अच्छा गाना। एट द सेम टाइम उसी जो है वक्त शी इज कटिंग, वो काट रही है द फसलें। द पोएट इज डीपली, बहुत ज़्यादा जो है वो जज्ब होता है इन द ब्यूटी, खूबसूरती में ऑफ द सॉन्ग गाने की। शी सिंगिंग, वो गा रही है इट हर मदर अपने जो है वो अबाई जो है वो जुबान में। दैट्स वाई, ये वजह है द पोएट डज नॉट अंडरस्टैंड, ना समझ सका द जो है वो इसकी जो है वो बोली को, ऑफ द गर्ल लड़की के नगमे की। अलबत्ता ही गैस वो अंदाज़ा लगाता है दैट द सॉन्ग नगमा मुकम्मल तौर पर अलमनाक है एंड सॉरोफुल, परेशानी से भरा हुआ है। ही थिंक, वो सोचता है दैट द सॉन्ग के जो है वो ये नगमा अलग रखता है कुछ जो है वो पुराने नाखुशगवार चीज़ों के बारे में। इट मे टेल द स्टोरी, उसमें जो है बताई गई वो कहानी ऑफ सम बैटल्स, कुछ जंगों की जो माजी के अंदर हुई। इट मे डील विद सम जो है वो शायद वो कुछ मतलब परेशानियों के बारे में, इवेंट ऑफ डेली लाइफ, मामूल की जो है ज़िंदगी के वाकयात के बारे में। द पोएट इज श्योर, यकीन है ऑफ वन थिंग, चीज़ का द सॉन्ग इज रिलेटेड, वाबस्ता है सम सारों कुछ जो है परेशानी के मतलब, लूज जो उसने खो दिया और पेन और तकलीफ़ के बारे में। हर सॉन्ग इसका नगमा इज टिपिकल ऑफ द, एक जो है वो टिपिकल है गमनाक स्टेन गीत है ऑफ द सेल्टिक रेस के अंदर। द पोएट इज कन्वेंस ऑफ द रोमांटिक क्वालिटी, कन्वेंस करता है जो है वो रोमांटिक जो क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स इस मैटर इस जो है वो मामले की। द पोएट हैज़ वेरी एप्टली रिमार्क, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल। शायर ने बर वक्त कहा इसका गीत मैंने सुना और मैं वहाँ पर सुकून से खड़ा रहा। ये तो था बेटा जो है वो आज का थीम पोएम द सोल्ट्री रीपर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। साथ साथ याद करते जाएं और अपने दिमाग के अंदर अल्फाज का ज़खीरा बनाएं, ठीक है? इंशाल्लाह ताला इसी तरह फिर आपको जो है वो इंग्लिश आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।